उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में ब्राजी आदिशक्ति माता विरासनी के दरबार में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वृंदावन से आई सुश्री प्रांशी देवी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग वह कथा प्रसंग सुना रही हैं। कथा के दौरान रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और पुण्य लाभ अर्जित किया है। माँ विरासनी के दरबार में 2 दिसंबर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाल विभूति फ्रांसी जी देवी द्वारा वाचन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पधार कर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में भागवत कथा का पूरा अलग अलग प्रसंग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माता विरासनी प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मणी जी का विवाह हुआ, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया और पूरे नगर के जो लोग हैं वो आकर के और बहुत संख्या में एकत्र होकर के कथा का लाभ लिया। फ्रांसी जी के द्वारा अमृतमय कथा श्रवण करके सभी लोग मुग्ध हुए और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है हमारे नगर में, पुराण के कार्यक्रम हमारे नगर में होते रहें। और साथ ही साथ इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा जो आज फ्रांसी जी के प्रवचन कथा में लोग एकत्र होकर के और बहुत ही झांकी सुंदर निकाली गई, जो विष्णुपुर पाली के लिए एक प्रथम इतिहास हुआ।